हाँ जनाब हमने लास्ट टाइम अपनी चैप्टर के ऊपर कंक्लूजन की थी इसी का उसके ऊपर इसे चेक कर लो बुक से देख लो बुक में चैप्टर कौन सा दिया हुआ है इस बस बुक है ब्लॉक की बुक नहीं लेके आई चलो खोलो चैप्टर शुरू करें इसको तो अगर मुझे तुम तो बैठा के पढ़ाने के लिए कह दो तो, तो बुरी बात नहीं है मेरे को तो एक क्लोताप पागल क्या नीचे कर देना स्कूल से पढ़ाते हैं हाय इधर आ भखरा किसी का रेस हैंड है जी पूछ ले अभी मैंने चैप्टर ये कंक्लूड नहीं किया हुआ आ किया ओ हो नहीं यार इसका सुपर चैप्टर फोर ओपन कर दो मैं हमें हाँ तुम लोगों ने रेज हैंड किसने किया बस उसका क्वेश्चन ले ले खोल दो चैप्टर को मेरी जान खोल दो बेटा चैप्टर को खोल दो आखिर में ले आओ एंड में ले आओ चलो अब ओपन कर दो इसको किसी तो तो ने रेज हैंड किया हुआ है अली ने उसका सवाल ले लो एक दफा मैं अली का सवाल दे दूं जवाब जी बेटा

उसको पैसे मिलेंगे तो वो तो बेसिकली तौर के ऊपर देखा जाए तो वो गेमिंग स्किल्स में आ जाएगा लेकिन अगर उसके ऊपर पैसे लगाए जाते हैं या आप पैसे लगा के मूव करके चल रहे हो तो वहां पर जाके एक क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से आ सकता है वो आपके पास फिर सट्टे मतलब एक एक कंपटीशन के अंदर प्राइस को विन कर लेना एक सेपरेट चीज है लेकिन हम कहें कि हर बाजी के ऊपर पैसे लगा के खेलना है तो बेटा वो जुआ आता है ठीक है जी सर कॉम्पिटिशन इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है वो एक डिफरेंट चीज आती है और, में तो होगा ना कि वो प्राइस को एक वो डिटरमिन करके चलेंगे हाँ जी कि ये प्राइस में मैंने ये बताया तो तो, इसमें जहां पर आप हर हर बाजी पे पैसे लगा के खेल रहे हो बेटा वो काम खतरनाक है उस पर अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो वो छोड़ेगी नहीं आपको बच के खेलना ठीक है फाहद जी सर जी जी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की एक्सेप्शन एक्सेप्शन नंबर सेकंड है सर उसमें लिखा है एन एग्रीमेंट वेयर बाय पार्टीज एग्री नॉट टू फाइल एन अपील इन अपर कोर्ट इज वैलिड सर हाँ. अगर सेशन uh, कोर्ट में जो वो uh, अगर वो उनको फैसला हो जाता है तो हायर कोर्ट में जा हाई कोर्ट में जाके आप, उसकी आप अपील आप अपील सकते आप अपील आप, आप नॉर्मली लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपील कर सकते हो लेकिन कानून ये कह रहा है अगर दो पार्टियां आपस में ये डिसाइड कर लेती हैं कि हम जो पहला जो हमारा कोर्ट का फैसला होगा हम उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में नहीं जाएंगे तो वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जेनवन है उसकी कानून के मुताबिक बाइंडिंग है मैंने आपको, एक था बात एक मैंने आपको एक बात की समझाई थी कर कि जगह पर एक मामला थर्ड पार्टी को देकर वैल्यूएट करने का आपका हक है एटलीस्ट एक जवाब एक दफा आप जाकर आप उसको किसी भी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना हक रखते हो कि आप उसको लॉ के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उसको वैल्यूएट करवा लो लेकिन आपके पास मल्टीपल जगहों पर ये इशू आ जाता है कि हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं हम किसी भी डिफरेंट कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं हम अपील पर अपील कर सकते हैं अगर आपने उसकी रिस्ट्रिक्शन को लेकर चलना है तो कानून कहता है कि हाँ उसकी रिस्ट्रिक्शन की जा सकती है राइट सर सर इसी तरह का वो जो आपने क्वेश्चन दिया उस इसमें इसी तरह उसने लिखा हुआ है कि इसको, इसको, आगे करना जरा मुझे दिखाना मुझे कुछ बताते हैं कहां पे आगे चलते जाओ बेटा बिल्कुल आखिर पे पेज नंबर 97 पे पेज नंबर 97 तो नहीं एग्जांपल नंबर बता सकते हो कौन सी है एग्जांपल नंबर 64 64 एग्जांपल पे जाओ 64 चली पीछे हां जी बताइएगा जी सर इसका लास्ट पार्ट जो है 4 वाला व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अबव

मैं भी यही कह रहा हूं इफ मंसूर और आरफ आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आर्बिट्रेशन अवार्ड दे कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ मैंने भी ये आपसे कहा बिल्कुल ठीक है कि अगर वो आर्बिट्रेशन से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो कोर्ट में जा सकते हैं अगर वो इस तरह हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वर... नहीं किया था कि

a legal proceeding an agreement between two or more than a person agreed and dispute which may arise between them shall be referred right, to there is valid uh, uh,

प्लेस किया आ, 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 आगे आगे चलना और मंसूर फाइलिंग का सूर वगैरह एवरी एग्रीमेंट बाय पार्टीज रिस्ट्रिक्टेड दिस दिस बाउंड आगे चलना और जिस तरह लिख रही है हमें से ही के चलना है इसको अपने मुताबिक इसको अमेंड कर लेन के, के अंदर आप अपना पहला मैटर लेके जाने पर मजबूर है आप अपना मैटर डायरेक्टली कोर्ट नहीं लेके जा सकते क्योंकि आप लोगों ने आपस में अपना ये एग्रीमेंट डिसाइड कर लिया है लॉ की क्लास है अगर आपने हाँ ले लो अगर आपने अपना मैटर जो है वो डिसाइड कर लिया है तो फिर आप अपना मैटर डायरेक्ट कोर्ट में नहीं लेके जा सकते आपको अपना मैटर जो है वो आर्बिट्रेशन में लेके जाना पड़ेगा आ, यहां तक वो वो जो बात को लेके चल रहा है, वो ये कर रहा है है ये कर कि अगर आर्बिट्रेशन के फैसले से आप मुतमिन नहीं है तो एक दफा कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाने का आपको राइट अवेलेबल है तो आप उस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में इसको चैलेंज कर सकते हैं योर पॉइंट इज वेरी वैलड हम किताब के सोल्यूशन के मुताबिक ही अपने नॉलेज को लेकर चलेंगे इसके खिलाफ नहीं जाएंगे अब चूंकि हमें यहाँ आप ये कह रही है तो फिर हम आर्बिट्रेशन की हद तक अपने केस को पहले स्टार्ट करेंगे आप डायरेक्ट कोर्ट में केस नहीं लेके जाएंगे आपको पहले किसके पास जाना पड़ेगा आर्बिट्रेटर के पास और आर्बिट्रेटर के फैसले के खिलाफ आप एक कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपील कर सकते हैं वो भी अगर आपने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि हम मल्टीपल कोर्ट में नहीं जाएंगे इज इट क्लियर जी सर इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हम एटलीस्ट अगर आर्बिट्रेशन से सेटिस्फाई नहीं होते तो एटलीस्ट वन कोर्ट में ले जा सकते अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो फिर जब हम आर्बिट्रेशन को वो जिस सेंस में वो यहाँ पर हमारे लिए मूव कर रहा है उस उस सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनट होल्ड करना जरा सर कॉल फैसर yes, हो गया बेटा क्लियर क्वेश्चन से दो तो तीन दफा बात रिपीट कर चुका हूं आर्बिट्रेशन के अगर ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन रखी है तो रिस्ट्रिक्शन इस बात की है कि आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे आप किसके पास जाएंगे पहले आर्बिट्रेशन में जाएंगे उसके बाद आप ओपन right, है अगर आप आर्बिट्रेशन के फैसले से मुतमी नहीं है फिर आप ओपन है जहां मर्जी जाए

जी सर ग्रुप में मैसेज आया मैंने इस वजह से एम्लो आपको जवाब आ तो गया है आपने ध्यान से ग्रुप देखो एम्लो के टेस्ट पे लिख दिया कि इट विल बी अनाउंस इन फ्यूचर जी सर वो तो अब वो मैसेज है कि टू मोरो टेस्ट सीला का मतलब हाँ सीला का टेस्ट सीलो हो के पिछले दो चैप्टरों का टेस्ट होगा सर डेट फ्राइडे लिखी है मैसेज कल का आ रहा है

आपको पहली दफा आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा हां आर्बिट्रेशन का फैसला आपको कबूल नहीं है फिर जिस मर्जी कोर्ट में जाओ लेकिन पहली दफा ये नहीं हो कि हमारा फड्डा पड़े और हम डायरेक्ट चले जाएं कोर्ट में हम कह सकते हैं कि हम हम पहले पहले डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे हम पहले किस जाएंगे किसके पास पास आर्बिट्रेटर के ये रिस्ट्रिक्शन लग सकती है और ये हम उसको मना नहीं कर सकते कि तुम तो किसी भी कोर्ट नहीं जा सकते हाँ उसके बाद अगर लगानी है कि अगर आर्बिट्रेशन का फैसला मंजूर नहीं तो किस कोर्ट में जाओ वो एक सेपरेट क्लॉज के तहत आएगी उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है एग्रीड पॉइंट है फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो थी ऐसे एक्सप्लेन नहीं हुई जनाब किसी का क्वेश्चन और है बताएं जो कि आज हमने क्वेश्चंस की बात करनी थी और हमने बात करनी थी ऑब्जेक्टिव्स uh, की किसी को किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर कोई प्रॉब्लम है ऑल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस आर ओके किसी का अगर किसी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन पे प्रॉब्लम है कि सर ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो है ये ओके okay नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट के खिलाफ है तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनी बॉडी हैज एनी ऑब्जेक्शन अबाउट द सॉल्यूशन कि सर ये जो आप गलत लिखा हुआ है या किसी का इस चैप्टर के किसी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मैं आज आगे पढ़ाने के कथन मूड में नहीं हूं हमने चूंकि ये बड़ा मेजर चैप्टर है है हमने से आज कंक्लूड करना जनाब गुप्ता पे आइएगा और गुप्ता मुझे ये चीजें खोलिएगा जनाब तैयब साहब को आप 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 अपन ओपन कर दें मोहम्मद तैयब आप जब तक गुप्ता ओपन कर लो सर सुन रहा हूँ तैयब तो सर ये एग्रीमेंट इन द ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में लिखा है कि एग्जांपल है

वो बता रहा है मैं तुम्हें लोन दिया है तुम्हें कह के बता रहा है लोन दिया है तो दियाप्ट को बिल्टअप करने की कोशिश करते हो ना तो उसको तुम नहाय ही वाहियात किस्म की बेस के ऊपर बात को बेस कर लेते हो और फिर उसके बेस के ऊपर तुम अपने सवाल जो है अपने लिए जिंदगी मुश्किल कर लेते हो सुन लो टाइम पर डेट की की डेफिनेशन या टाइम डेट की एक्सप्लेनेशन क्या है अगर तुम्हें कोई शख्स पैसे दे और पैसे देते वक्त तुम्हें ना बताए कि ये लोन है और ना तुम्हें पता हो कि इसने मुझे पैसे लोन के लिए दिए हैं और ये बात तुम्हारे और उसके दरमियान कभी तय ना हुई हो कि मेरे दिए हुए पैसे लोन हैं या मेरे दिए हुए पैसे गिफ्ट हैं और वो शख्स अगर ये समझता रहे कि ये गिफ्ट है और देने वाला समझता रहे ये लोन है और कभी वो तीन साल में तकाजा भी ना करे कभी तीन साल में इस मसले को क्लियर भी ना करे तो फिर वो डेट डेट नहीं रहता वो फिर डेट गिफ्ट बन जाता है अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और ये बता के दिए हैं कि ये लोन है और मैंने तुमसे दस साल तक तकाजा नहीं किया और भाई तुम्हें बता के दिए थे ना कि लोन है तुम्हें मेल की थी मैं तुम्हें लोन दे रहा हूं करोड़ रुपए का वापसी का फैसला कर लेंगे जब देने होंगे दे देना या तुम्हें मैंने बातों में बताया था कि ये करोड़ रुपया तुम्हें दे रहा हूं ये लोन है अब इसका मतलब कि हम दोनों के दरमियान में कोई इबाम तो नहीं है कि ये लोन है या ये, ये गिफ्ट है तो फिर मैं तुमसे दस साल पैसे ना मांगू क्या इसके कह ऊपर हो सर वही क्लियर हो गया था, मुझे बात समझ आ रही है, है। मैं तुम अपनी बेस के चल रहे हो उस वक्त तुमने या क्लास नहीं पढ़ी या तुमने बात सही तरह नहीं समझी इसलिए ये बात आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करके चलती ओके अच्छा जी इसको आगे। अब इस बंद कर दीजिएगा मैं अगर किसी का रेसेंट जरूर कर दीजिएगा मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ मैं साथ गुप्ता मूव कर लूँ गुप्ता में चलते जाओ बेटा आगे चलते जाओ सब कुछ पढ़ा दिया लोग हाँ हाँ कंसिडरेशन हो गई भाई जान आपने फ्री कंसेंट तक मैंने फ्री कंसेंट कर नहीं लिया था हमने फ्री कंसेंट भी कर लिया कैपेसिटी ऑफ पार्टीज भी कर लिया फ्री कंसेंट भी कर लिया वो भी चैप्टर निकाल जाओ उसके बाद तुम आओ फ्री कंसेंट क्लोज कर दो चलते जाओ आगे तो तुम लोगों ने से आगे स्लाइड ही नहीं बनाई और अल्लाह दे वलियो एमलो की बाकी स्लाइडें किसने बनानी है दो फिटे मुंह ताला एमलो खत्म तो नहीं हो गई यहाँ पे सी लो इसकी मर्केंटाइल लो इसके बाद मैंने को उनको भी एग्रीमेंट पढ़ाया वो इसमें दिया हुआ है तो आपने लिखा है कंप्लीट बुक कंप्लीट गुप्ता क्या कहा जा रहे हो इस चैप्टर से आगे कुछ नहीं तुम्हारे पास ना तो फिर उसको बुलाओ ना उसकी अभी ना बनाओ, बाद बना लो ठीक है जनाब आप, आप अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते इससे इस इससे अगले चैप्टर जो है चैप्टर जितने भी हैं मैंने पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया इनको वाइड एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड मैंने पढ़ा दिया मैं जो गुप्ता के अंदर बुक में क्वेश्चंस जो थ्योरी दी हुई है मैं इनके साथ वो रिवाइज करना चाह रहा था अगर उसमें कोई केस तो सामने आता है तो मैं उन्हें वो करवा दू अब वो आपकी जो बुक है उसके ऊपर आपने लिखा हुआ है कंप्लीट गुप्ता लिखा हुआ है ना कंप्लीट गुप्ता है ही नहीं एग्रीड एज अ होल है ना पूरी नहीं है ना एटलीस्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसके अगले पांच छह चैप्टर तो और करके दो ना ताकि बच्चों को मूव करा सको ठीक है जनाब यह भी हम, हम थोड़े से आपकी तरह आ, सिर्फ आप ही नलायक नहीं है हमारे पास हम जैसे भी काफी नलायक है बीच में मेरा, मेरा, मेरा मैंने भी कल नहीं देखा इसको बंद कर दो गुप्ता को दोबारा बुक पे आ जाओ बुक के ऊपर ही कोई क्वेश्चन यहां तक मैं आज आगे बात नहीं करना चाहता हम आ, अपने ट्रैक से काफी आगे पहुंचे हुए हैं तो मैं नहीं चाहता कि मैं फर्दर आपको और अभी होमवर्क दू ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का जो टेस्ट है मर्कंटाइल लॉ का वो अगले जुमे का है मैं यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो अगले जुम्मे का टेस्ट होगा ये कंप्लीट चैप्टर चैप्टर को शुरू से ले आना मेरे पास यही चैप्टर चैप्टर शुरू से ले आओ ये ये बड़ा ही अहम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ हमें दिया हुआ है अच्छा एक मुझे बात बताइएगा फ्री कंसेंट से पिछला चैप्टर जो हमारे पास है वो था हमारा उसका कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का उसका हमारा टेस्ट हो गया हुआ है मुझे कोई बताएगा मर्केंटाइल लॉ के चीते को बंदा रेज हैंड करके कंफर्म करेगा दोनों सेक्शन का चैप्टर थ्री तक का टेस्ट हो गया हुआ है yes, हमजा हो चुका, हो चुका हुआ है दो सेक्शन थे एक मॉर्निंग का था एक इवनिंग का था मुझे कोई इवनिंग के सेक्शन से भी बताएगा कि टेस्ट हो गया कि नहीं हुआ हमजा आप सुबह के हो कि इवनिंग के हो यस सर मॉर्निंग इवनिंग का मुझे बताया कोई बंदा इवनिंग से जो बंदा बिलोंग करता है इवनिंग का एमन 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 इकबाल कैन यू प्लीज रेज योर हैंड बेटा एमन एमन को को हो चुका हुआ है अब चैप्टर फोर का ठीक है था, कर ले अपने आप सारे। अब 4 का आपका टेस्ट होगा और ये आपका एक मेजर टेस्ट है और इस टेस्ट को आपने बेटा कंक्लूड करके चलना है मैं फिर चैप्टर फोर आपके साथ एक फास्ट ट्रैक में रिव्यू कर रहा हूं बंद कीजिएगा प्लीज इसको और चैप्टर फोर चलाना शुरू कर दीजिए हमने चैप्टर फोर के अंदर अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ने के बाद हम प्रॉमिस तक पहुंचे प्रॉमिस और कंसिडरेशन के बाद हम लोगों ने अपने आप को एग्रीमेंट तक पहुंचाया अब हम एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी को पढ़ रहे हैं ये चैप्टर इन्फोर्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अहम चैप्टर है इन्फोर्सिबिलिटी में कैपेसिटी ऑफ पार्टी पीछे आ गई थी लेकिन कैपेसिटी ऑफ पार्टी के बाद जो आगे बातें थी एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज मेड बाई फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज हमने पढ़ लिया था लॉफुल ऑब्जेक्ट वो भी हमने पीछे पढ़ लिया था ठीक है और यहां पर हमने फ्री कंसेंट पढ़ा है और एक्सप्रेसली एक्सप्रेस टू बी वाइड तो हमने पिछले चैप्टर में जो कंसिडरेशन वाला चैप्टर नंबर थ्री था वहां पर हमने लॉफुलेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ा था और कैपेसिटी ऑफ पार्टी पढ़ा था चैप्टर नंबर थ्री में तो बेसिकली तौर के ऊपर हमारे पास कितनी बातें आती थी हमारे पास पांच बातें आती थी कैपेसिटी ऑफ पार्टी आती थी लॉफुल consideration आती थी लॉफुल ऑब्जेक्ट आती थी ये तीन बातें हमने कहां पढ़ ली चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ ली और अब हमारे पास जो दो बातें रह गई थी एक

हमने पहली आउटकम पढ़ा पहली चार बातों का आउटकम क्या था वाइडेबल था जबकि मिस्टेक का आउटकम क्या था वाइट था और मिस्टेक का आउटकम इसलिए वाइट था क्योंकि देर इज नो कंसेंसिस एड दोनों पार्टीज को पता नहीं था कि क्या गेड़ा हो रहा है क्या काम किया जा रहा है सो so, यहां पर हमने फ्री कंसेंट को डिफाइन किया उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट के ऊपर हमने कॉर्शन और बाकी तमाम चीजों को वन बाय वन पढ़ा कॉर्शन क्या था कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड विच इज फॉरबिडन बाय पाकिस्तान पीनल कोड और फिर अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया इंटेंशन ऑफ कॉजिंग पर्सन टू एंटर किया था कि किसी भी खिलाफ वर्जी करना और वो पाकिस्तान हुए, पाकिस्तान में कौन से एक्ट हुए किसी को मार नहीं सकते फिजिकली अब्यूज नहीं कर सकते किसी की जायदाद या किसी को आप हरासा नहीं कर सकते बड़ा लंबा चौड़ा कहानी दी हुई है सी पी सी के अंदर और उसमें से कोई भी एक्ट करना या उस एक्ट के करने की धमकी देना वो भी जुर्म है ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा या मैं और एक बंदे ने मारने की धमकी दी एक ने फैंटी लगा दी है दोनों जुर्म है मारने की धमकी भी जुर्म है और फिर हमने बात को आगे लेके चला इसी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बात की हमें कतन अहमियत नहीं है कि कौशन कहां पर डिप्लॉय की गई आप जब भी कौशन का केस पाकिस्तान में करेंगे कौशन कहीं पर भी डिप्लाय की होगी कौशन इंप्लीमेंट हो जाएगी और फिर हमने कहा कि कौशन के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें धमकी दी जाए कॉर्शन में तुम्हारे अलावा भी किसी और को धमकी देकर तुमसे कोई बात जबरदस्ती या जबर के थ्रू मनवाई जा सकती है आगे चलिएगा जनाब हां कॉर्शन जो है ये दोनों बातें बता दी कॉर्शन का इफेक्ट क्या होगा हम कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हैं और हम वायटेबल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके तहत जो आप लोगों ने बेनिफिट लिए हैं वे दूसरे को वापस करने पड़ेंगे और फिर हमने इसी को आगे लेके चलिएगा इसी के मुताबिक हमने पढ़ा था कि कौशन के अंदर अगर कोई चीज आपके पास बेनिफिट आ गया है और आपने किसी को बेनिफिट दे दिया हुआ है और आप कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बल्कि वाइट करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वो चीजें एक दूसरे को लौटा देंगे मैंने एक बात आपको मल्टीपल जगहों पर कही दोबारा से री कर रहा हूं जरूरी नहीं होता कि कौर्शन के अंदर अगर आपने कौरशन के तहत इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चल रहे हैं तो सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि सिविल एनेक्टमेंट में ही बेनिफिट मिलेगा अगर किसी ने आपको फैंटी लगाई है और उसे मुआयदा किया है तो मुआयदा कैंसल होगा कौशर के अंदर और जो उसने आपको धमकी लगाई थी फेंटी लगाई थी उसकी सजा मिलेगी क्रिमिनल एक्ट के अंदर हम शुरू में बात कर चुके हुए हैं शुरू में हमने जिस वक्त लॉ को डिफाइन करके लॉ को पढ़ना शुरू किया था कि इस बात की इस बात का इम्कान है इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कौर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बहुत सारी जगहों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही इशू के अंदर सिविल और क्रिमिनल दोनों अनेक्टमेंट दोनों प्रोवोक हो सकते हैं अगर कभी इस तरह होके चले तो घबराने की जरूरत नहीं है सोई गैस की चोरी की हुई है जो जो सुई गैस की चोरी का मामला है तो जो सुई गैस वाले ने पैसे लेने हैं वो सिविल अनैक्टमेंट है लेकिन जो चोरी की सजा है वो क्या है वो क्रिमिनल क्रिमिनलैक्टमेंट है

एबल हो तो फिर दूसरे शख्स को डोमिनेंसी एग्जिस्ट कर जाती है आगे चलिएगा हम कब कहेंगे कि प्रिजप्पन डोमिनेंसी की है तो हमने कहा इन इन रिलेशनशिप में यह बात है कि यह शख्स दूसरे के ऊपर डोमिनेंसी रखता है रिबट रिबट हम इस को कैसे करेंगे तीन बातें थी थी मैंने उसको पूरा दिया था की प्राइस ही और तीसरी बात यह थी कि वो जाकर थर्ड पार्टी से मार्केट से अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता था मैंने उसको नहीं रोका था अगर ये बातें हम कोर्ट में प्रूव कर देंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स के ऊपर आएगा जिसको यह साबित हो जाए कि उसकी पोजिशन थी टू क्रिएट द डोमिनेंसी वो अपनी पोजिशन को

रिलेशनशिप के अंदर डोमिनेंसी पर नहीं है इसमें आपको साबित करना पड़ेगा कि यह शख्स डोमिनेंट था और जिस शख्स के ऊपर जो कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस शख्स के ऊपर होगा जिस शख्स के ऊपर वो जो कोई कॉन्ट्रैक्ट को, को कैंसिल करना चाहेगा जबकि हमारे यहां पिछली कहानी में क्या किसके ऊपर है जो शख्स

हम जानबूझ के हम नॉलेज होने के बावजूद गलत काम करते हैं नॉलेज होने के बावजूद फैक्स की कंसिल करते हैं हम एग्रीमेंट करते हैं इसका मकसद यह था कि मैंने कभी परफॉर्म ही नहीं करना और हमारे इंटेंशन ये थी कि हमने डिसीव करना है या कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में वो तमाम एक्ट जो कोर्ट समझे कि वो फ्रॉडलेंट थे और मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके लिए बेहतर है कि आप गुप्ता से याद कर लें वहां पर डेफिनेशन इनकम्प्लीट और बेहतर तरीके से दी हुई है इसकी एग्जाम्पल्स अच्छी है ये सारी एग्जाम्पल्स बेटा आपको तैयार होनी चाहिए यहां से उसने बड़े अच्छे तरीके से फ्रॉड

एग्जाम्पल डिस्कस की है क्या साइलेंस फ्रॉड है कि नहीं उसने कहा साइलेंस जो है वो इक्वलेंस टू वो वो हमारे लिए फ्रॉड किस वक्त बनता है साइलेंस हमारे लिए उसी वक्त फ्रॉड बन के चलेगा उसी वक्त साइलेंस बनेगा जिस वक्त या तो वो इक्वलेंस टू स्पीच हो और या वो रिलेशनशिप हो यानी बाप बेटी ठीक है अगर कोई बंदे बंदेरी रिलेशनशिप में है तो फिर आपको खामोश नहीं रहना फिर आपको बताना है या मैंने आपको सवाल पूछा है मैंने आपसे किसी फैक्ट के मुतालिक सवाल पूछा है और आप जानबूझ के खामोश रहे तो यहां पर भी सारे सीक्वल टू स्पीच है बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इसके ऊपर सवाल पूछा कि सर आपने तो कहा था कि हम अगर खामोश रहेंगे तो ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं होगी ओ भाई जान ये ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं है ये मेयर टू स्पीच है कि नहीं उसकी बात कर रहा है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा कि जनाब आपने कॉन्ट्रैक्ट में हां कह दिया है कि आपने एक्सेप्टेंस दे दिया है एक्सेप्टेंस तो अपनी जगह पे है ये तो सिर्फ किसी ना किसी फैक्ट के मुतालिक है मैं पूछ रहा हूं और ये मोबाइल जो है इस पर चल छैया छैया का सॉन्ग चल पड़ेगा आपको पता ही नहीं चल पड़ेगा आप खामोश रहेंगे तो यहां पे साले टू स्पीच है अब मोबाइल का खरीदना एक्सेप्ट करना टर्म्स ऑफ उफ ऑफर उफ वो सब आपके एक्सप्रेस होनी चाहिए मैंने नहीं कभी कभी भी भी नहीं कहा कि आप कहें कि तुम यह मुझसे मोबाइल खरीद लोगे तुम खामोश रहे और मैंने कहा तुमने मोबाइल खरीद लिया मैंने कभी यह बात नहीं की मैंने सिर्फ टर्म्स के मतलब यह बात कही है कि क्या साल इक्वल टू स्पीच है कि नहीं है रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन भी वही है जो आपने गुप्ता से तैयार करनी है इसके अंदर हर बात वैसी लगती है लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है वो क्या? ये जानबूझ के नहीं है आपको डिसीव किया जा रहा है आपको गलत बात बताई जा रही है आपका नुकसान किया जा रहा है लेकिन खुदा की कसम जान के नहीं किया

मिस्टेक थी मैंने कहा था मिस्टेक की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइट होगा फिर बार-बार बताया बार-बार बताया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ मिस्टेक की लॉजिक नहीं बनती इग्नोरेंस ऑफ लॉ इग्नोरेंस ऑफ लॉ मुझे पता ही नहीं था ये मिस्टेक नहीं है इट इज बीइंग प्रिज्यूम्ड कि तुम्हें लॉ का पता था अगर तुम लॉ ऑफ लैंड पे बैठे हो तुम्हें लॉ का पता था और फॉरेन लॉ के लिए बताया कि जिस तरह फैक्ट पड़ेंगे और फैक्ट के अंदर हमारे पास बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक थी तो फॉरेन लॉ की मिस्टेक को आप कैसे डील करना जैसे वो क्या है बायलैटरल मिस्टेक है और फिर बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल

मैंने बेसिकली एक दो स्वास्सी लिखा हुआ था तो ये 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 डिस्कवरी ऑफ प्राइस नहीं है ये रीडिंग की गलती है रीडिंग की मिस्टेकन हो रही है तो इसको हम गलती नहीं कहेंगे जिसको वहां पर जाकर लेके चले और ऐसे ही परफॉर्मेंस के ऊपर दूसरी थी कि हमारे पास या तो सब्जेक्ट मैटर पे परिटीर्मेंस भी होगी ऐसे ही लेटर मिस्टेक में हमने कहा था कि लेटर मिस्टेक जो होती है या तो वो आपकी आइडेंटिटी ऑफ पर्सन के ऊपर होती है या आपकी नेचर ऑफ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर होती है और मैंने इन दोनों के ऊपर आपके साथ हमने डिस्कस की थी सो so, मिस्टेक का आर्टिकल इन इट सेल बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब उसके बाद हमने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी व्हाइट की बात की थी और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब भी आपने एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी व्हाइट पढ़ना है तो मैंने आपको एक बात बताई थी इसको याद करना बड़ा आसान है लेकिन पेपर में क्वेश्चन इसके टू बी वाइड पे पे नहीं आता पे आता बल्कि इसकी है इस आर्टिकल की बेटा आपको रटी होनी चाहिए इस पर जब भी ऑब्जेक्टिव आया जब भी न्यूमेरिकल आया जब भी क्वेश्चन आया वो एक्सेप्शन पे आएगा नहीं तो बात बड़ी आसान सी लगती है कहता है ट्रेड की एक्सेप्शन है आप किसी को ट्रेड से रोक नहीं सकते लेकिन रोक सकते हैं जहां पर सेल ऑफ गुडविल हो आप किसी को रोक सकते हैं अगर पार्टनरशिप हो उसकी ये पांचों बातें बता गया हम किसी को ट्रेड कंबिनेशन इलीगल नहीं है लेकिन मोनोपली इलीगल है सर्विस एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं और वहां पर आप अगर आपने किसी को अगर नॉलेज खुद से दिया है सीक्रेट उसको दिए हैं तो आप उसको ड्यूरिंग जॉब और आफ्टर जॉब भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपको फिर आप उसको ड्यूरिंग जॉब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आफ्टर नहीं कर सकते और इसी तरीके के साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर किसी को आपने ट्रेड से किसी काम से रोकना है तो वो किसी खास लोकेलिटी और किसी खास मुद्दत के लिए सीईओ तो हो सकता है लेकिन ओपन एंडेड नहीं हो सकता सो so, इसकी भी एग्जांपल्स दी हुई है ऐसे ही वेगर के मतलब बताया जुआ इजाजत नहीं है लेकिन भाईजान गेमिंग कंपिटिशन इनमें जीतना ये चीजें जो है ये जी जुवे के जुमरे में नहीं आती और जुवे के पॉइंट ऑफ व्यू से जुआ उसकी रिलेटेड ट्रांजेक्शन उसकी अंडरलाइन ट्रांजेक्शन उसकी कोलेट्रोल सब कुछ वाइड होता है अर हमारे पास क्या बात आई लीगल प्रोसीडिंग बड़ा अच्छा पॉइंट आज रेस किया हैप्पी टू लिसन कभी कभार मिस हो जाती है बात बताने में किसी को भी आप लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते लेकिन रोक सकते हैं यह कहते हुए कि कि तुम तुम सिर्फ एक कोर्ट के पास जाओगे रोक सकते हैं कहते हुए मल्टीपल जगहों पर अपील नहीं करोगे रोक सकते ये कहते हुए कि तुम आर्बिट्रेशन के पास जाओगे आर्बिट्रेशन का मकसद यह हुआ कि तुम डायरेक्ट कोर्ट के पास नहीं जाओगे तुम आर्बिट्रेटर के पास जाओगे हाँ आर्बिट्रेटर के बाद मर्जी कोर्ट के पास जाओ ये वाली एक्जाम्पल की जो बात हम एग्जाम्पल सिक्स में बड़ी क्लैरिटी में डिस्कस हो गई बात थी बात उस डिस्कस नहीं हुई थी किसी को हम मैरिज से नहीं रोक सकते और हम अनसर्टन एग्रीमेंट नहीं कर सकते हम किसी के साथ भी या, के बेस के नहीं कर सकते। हम की जिसका है, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है और फिर उसने हमें यहाँ पर तीन चार एग्जाम्पल दी थी और उन एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल मैंने आपको हाईलाइट का पॉइंट किया आई डोंट नो उस बच्चे का नाम क्या था बट जो भी था उसने बड़ा अच्छा ये पॉइंट रेस किया

या आपको थ्योरी के क्वेश्चन में या आपको केस लॉ में ये पप्पू पेपर चैप्टर बनता है इसमें से आप कभी मुमकिन नहीं है कि वो आपको पेपर में क्वेश्चन के बगैर यहां से आप सब पेपर बना सके सो तो बेटा इस क्वेश्चन को इस चैप्टर को अच्छी तरह आप लोगों ने पी लेना है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कमी बेशी के ऊपर नहीं जाना मेक श्योर यू शुड बी वेरी क्लियर इन यूर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस जनाब हमारा चंदा अभी हमारे पास कुछ सवाल आने शुरू होंगे बगैर पेपर क्वेश्चन को चैप्टर को पढ़े हुए जनाब हमारा चंदा अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा हाँ हाँ जी हमारा चंदा एक से हमारा चंदा बंदे ने पूछी जाओ चार बारी बोलो फिर बंदा अपने आप अनम्यूट कर दा सर सर मैं तो बैठा हुआ आप सवाल पूछ रहे तो मेहरबानी आपकी सही एंड यू इन्फ्लुएंस में एक एग्जांपल थी उसमें वो उनकी एग... एग... वो फ्यांसी थे और उन्होंने गिफ्ट दिया हुआ था और बाद में उन्होंने कॉल कर लिया एक मिनट सर बेटा मैं सुन रहा हूँ आपका सवाल पूरा होगा तो कुछ बोलूंगा सर, आप... सर वो वो उन्होंने सर हमने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा था कि अगर गिफ्ट यार आप अपना सवाल तो पूरा कर लो कि है है क्या क्या, क्या हुआ उस क्वेश्चन के कर लेता है, तो फिर वो, वो तो नहीं। सर वो दिया दिया था लॉजिक पे उन्होंने उन्होंने गिफ्ट कुछ शेयर्स और बाद में कुछ थोड़ा शेयर्स के साथ उनको उनकी थी एक एक लड़का और लड़की उन्होंने एग्जांपल नंबर बता सकती हैं आप सा एक आपका नेट सही नहीं है उसकी वजह से शायद प्रॉब्लम आ रही है अंडर रियल पे जाना मुझे आप एग्जांपल नंबर बता पसंद करेंगी हाँ जी आगे चलो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं क्या मुझे आप एग्जांपल नंबर बताना पसंद करेंगी महतर्मा सर आई हम मुझे, मुझे आप एग्जाम्पल लोग में बता रहा आप समझ करेंगे सर बता रही हूं एक आगे चलना दो आ देखो आगे चलना चलो हो गया <laughs> आगे चलना सर एग्जांपल नंबर 15 है 15 पे आना Example number 15 Harun was engaged to, the, to be married to the Ghazala Harun wanted to establish his own business therefore he entered into a contract with Ghazala for providing him all the jewellery and apartment by way of gift and in return Harun agreed to give her a small share in the business after some time Ghazala filed a suit against Harun requesting for settling, setting aside the gift deed as it was not made with her free will discuss whether Ghazala should succeed in contention Ghazala may succeed to recover her jewellery and apartment from Harun The presumption of the end of plans according to said to be induced by the new weakness by is in the case of fiance. तो यहाँ पर ये गिफ्ट का एग्रीमेंट बनता नहीं है इसलिए हम आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन की बात कर रहे हैं मैं तुम्हें ये तुम्हारी ज्यूली दूंगा और तुम उसके बदले में तुम मुझे बिजनेस में शेयर दोगे जी नॉन कैश का मसला नहीं है देखो हारून जो था उसकी शादी होनी थी हारून ने अपना अब हारून अपना बिजनेस करना चाहता था उसने के साथ एक कॉन्ट्रेक्ट किया है ये वाली को स्टोरी नहीं कवर हो रहा वो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उसको घर जो है वो देगी और वो हारून उसके बदले में उसको बिजनेस के नफे में से कुछ पैसे देता रहेगा बेटा तो जो गिफ्ट होता है उस गिफ्ट के अंदर ये आपस के लेन देन में ये बातें तो नहीं होकर चलती ना

दी अधर, तो, यहां पर जब उसने अलजाम लगाया, तो अब उसको साबित करना पड़ेगा कि जनाब मैंने इसकी फ्री विल के ऊपर कोई काम नहीं किया था और ये मेरे कारोबार के लेनदेन के मुताबिक बिल्कुल जस्टिफाइड मैंने डिस्कशन की थी और इसमें कोई ऐसी बात नहीं आपका क्वेश्चन अगर सिर्फ ये है कि गिफ्ट कि ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट हो जाए तो रिवर्स नहीं होती तो मैं आपसे एग्री करता हूं बिल्कुल कंप्लीटेड गिफ्ट जो है उसके लिए की जरूरत नहीं होती लेकिन यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट बता रहा है कि ये ये गिफ्ट नहीं है ये तो आपको कहा गया कि मुझे तुम चीजें ये अभी दे दो अंग्रेजी का गिफ्ट है सिंपल ये मुझे ये चीजें दे दो और इसके अगेंस्ट में शेयर दूंगा बिजनेस के अंदर तो ये तो वो कंप्लीटेड गिफ्ट वाले एरिया में कवर नहीं होगा सिर्फ गिफ्ट लिखा हुआ है लेकिन टेक्निकली देखो तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है एक्सप्लेन किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट इज इट क्लियर आगे चलो यार इसकी आवाज नहीं आ रही मैं जो जो क्वेश्चन था आई थिंक सो आई हैव आंसर फैसल रजा सर ये गुप्ता की बुक तो सेंड करवा दीजिएगा मैंने तीन चार बार कई ओम को भाई को भी कहा है और गुप्ता की बुक आपने खरीद ली है अभी तक सर मिली नहीं है बट क्लास में किसी को भी गुप्ता की बुक मिली अभी तक सर एक दो बार गया था उन्होंने कहा थोड़े दिनों तक आ जाएगा आपकी क्लास में आधे बच्चों के पास गुप्ता की बुक है ठीक है दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द दी ए बुक एंड सेंड टू यू दिस इज योर जॉब टू अरेंज योर बुक्स बुक्स यार books तो आपने अरेंज करके देनी है ना अब आप टीए से बुक्स की की बात तो नहीं कर सकते आपके आपस में कितने दोस्तों के पास गुप्ता की बुक है किसी से आप अपनी गुप्ता की बुक लेकर फोटो कॉपी करवा लो नेक्स्ट प्लीज ठीक है हाँ बेटा गुप्ता की बुक तो आपके पास फिजिकल होनी चाहिए ऑनलाइन गुप्ता की बुक से तो काम नहीं चलना आपका वो तो मैं पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ यू मस्ट है फिजिकल गुप्ता बुक विद यू याद करना है आपने उसको हाफिज हामद साहब जी सर जी ये भाई का जो अभी आपने आपसे क्वेश्चन किए ना इन्हें कहें शफीक बुक वाले ना सर वो बुक को मुकम्मल प्रिंट करके दे रहे हैं भाई जान ये तो हाफज अहमद तो हो गई थी तो साहब कुछ बता रहे हैं कौन सी जी कंपनी है जी कौन सी किताब कौ, सेंटर शफीक बुक वाले शफीक बुक कहाँ पर है सर ये जो बुक वाला बाजार है ना सर स्टार्ट में ही है उनके बुक वाला बाजार है कोई स्टार्ट में है शफीक बुक सेंटर है यार ये हमारा काम थोड़ी अब हम लेक्चर में बैठते हैं बात थोड़ी करके चलेंगे यू है मतलब बुक सेंटर के ऊपर ये बुक प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है आप लोग वहां से ले सकते हैं मतलब पॉइंट इज वेरी सिंपल गुप्ता की कॉपी करके आपको सप्लीमेंट भी आपके पास अवेलेबल होते हैं तो है। तो ये बुक मार्केट में अवेलेबल है अगर नहीं अवेलेबल तो आपके दोस्तों के पास है किसी दोस्त से किताब ले लेको फोटो कॉपी करवा लेकॉपी तो मार्केट में बेतहाशा खुली है ये तो आपके ऊपर डिपेंड और सिर्फ आपने ये पूरी किताब नहीं करवाने लग जानी जो हमारे सिलेबस के तीन चार आर्टिकल्स है ना आप इसमें से पार्टनरशिप करवा लें और इसमें से कॉन्ट्रैक्ट एड करवा लें नगोशियबल इंस्ट्रूमेंट करवा लें बाकी तो इस किताब में बहुत सारे और भी दिए हुए तो आप अपना जो एरिया उसको बस करवा लें जो आपके सिलेबस के पार्ट आप, आपके हैं बाकी आपको पूरी बुक की जरूरत नहीं है और अगर आपको पूरी बुक मिल जाए तो इट्स अ वंडरफुल बुक टू हैव इन योर लाइब्रेरी ठीक है सो आई स्ट्रॉन्द दो ढाई सौ तीन सौ रुपए की बुक है इट इज बेटर टू हैव द बुक अगर शफीक सेंटर पर पढ़ी है जो बता रहे हैं मुझे खुद नहीं पता ये किधर है सो आपस में आप लोग बेटा कॉन्टैक्ट करें दूसरे के साथ इनका नाम हाफिज हामद है आप हाफिज हामद को कॉन्टेक्ट

Uh, उसलो उस उस का टेस्ट है जो हमारा सिलो का ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ uh, मर्कटाइल लॉ का जो टेस्ट है ये कंप्लीट जो हमारा मतलब कि कंबाइंड सेशन है इनका चैप्टर फोर का टेस्ट अगले जुम्मे को इनशा रजीज होगा ठीक है uh, थैंक यू जी थैंक यू एंड गॉड यू बेस्ट ऑफ लक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना पढ़ना शुरू कर दें मैं चैप्टर सुन नहीं सकता ऑनलाइन के ऊपर ये आप लोग की यशी हुई हुई है लेकिन मेक श्योर बेटा अगर इसको नहीं तैयार करेंगे जिस तरह सिखाया है तो ये पेपर में आपको कभी सपोर्ट नहीं देगा Thank you. God bless you.